बरगढ़ और माउंटेन ड्यू से आगे ही नहीं बढ़े, बेस्टर से लेकर आज तक, आज तक नहीं। कर्नल बलारा मैं इसमें रिक्वायरमेंट जो है 2011-12 में हम अभी सोच रहे हैं कि हमें जो है माउंटेन डिवीजन बनानी चाहिए। कर्नल बलारा मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि मेरे तकरीबन अगर 3/4 हम मान के चले रफली, हमारा जो बॉर्डर है वो माउंटेनस है। इफ यू लीव असाइड पंजाब एंड राजस्थान, पार्ट ऑफ गुजरात, क्योंकि कच्छ में आके टेरेन इज इन एनी केस इन हॉस्पिटेबल मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट को एक इतना टोटली इन हॉस्पिटेबल जी, तो उसके बाद ये माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स का प्रपोजल कैसे ओवरलुक कर सकती है गवर्नमेंट? एक्चुअली अगर आप ऑन ग्राउंड जाओ तो जैसे अभी हमारे सामने जिस टाइम पे भी एडवर्सरी जो चाइना कुछ भी करता है जी, है उनके पास क्या है कि टिबेट प्लेटो और जो भी उनके पास जो है सरफेस प्लेन है बिल्कुल, और हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर रेज करने के लिए अभी जो है 20 से 25 साल लगेंगे। हमारे जो है अप टू ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तक जो है लाइट व्हीकल जा सकती हैं जी, और चाइनीज के जो बॉर्डर एरिया पे हैं उनकी जो है अपना जो कहते हैं ट्रक वो आते हैं, जैसे कि अगर आप आजकल तो ये सिक्किम बॉर्डर नाथुला अगर आप जाके देखा होगा वहां पर उनके, क्योंकि हमने ये टूरिस्ट के लिए खोला था तो इसलिए हमारी गाड़ियां जा सकती हैं, अदरवाइज कहीं पर भी आप इधर से अपना ये अपना टेंट ये अखनूर से लेकर और तिनसुकिया तक जहां पर भी देख लो हमारा मीट तिकोण पर, तो मैं वहां गुरु डोंगमार भी गया हूँ सिक्किम में, गुरु डोंगमार राइट नेक्स्ट टू द चाइनीज पिकेट्स, वहां पे भी हमारा टेरेन इज वेरी अप एंड डाउन, और जैसे ही हम अपनी जो लास्ट पिकेट है उससे ओवरलुक करते हैं टुवर्ड्स वी कैन सी द नियरेस्ट चाइनीज टाउन एंड इट इज ऑल अ फ्लैट प्लेट। खैर ये तो सही है, वो तो टिबेट प्लेटो आ गया मेरे सामने, इट्स पार्ट ऑफ चाइना, हमारे पास सिर्फ जो है सिक्किम में की तरफ का हिमालयन पार्ट है, दैट इज मोर डिफिकल्ट, ग्रेट टेरेन वाइज मोर डिफिकल्ट, बेसिक डिफिकल्ट, वी आर गोइंग अक्रॉस अगेंस्ट द ग्रेन चाइनीज आर कमिंग दैट इज इन देयर फेवर लिटिल बिट बेटर कंडीशन। अच्छा दूसरा मैं यहाँ पे आना चाहूंगा कि दो माउंटेन डिविजन की सख्त रिक्वायरमेंट जो गवर्नमेंट ने पूरी करी नॉर्थ ईस्ट सेक्टर के लिए, लेकिन नाउ दे डोंट हैव द आर्म्स एंड वेपनेशंस एंड टेक्टिकल एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी फॉर टू सप्लाई दोस डिविजन्स, देन व्हाट इज द पॉइंट? ये तो सिर्फ जो है पब्लिक को दिखाने के लिए है कि अभी जो है हमारी जो है इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ 15 लाख हो गई है, परंतु ऑन ग्राउंड जैसे जनरल वीके ने बताया कि इतना बुरा हाल नहीं है जो कि नॉर्मल पब्लिक में आ गया है कि हमारे पास हथियार ये जो है अमनेशन नहीं है। जैसे अगर बीच में डिस्कशन में भी आप लोगों को पता होगा कि जैसे अगर टैंक 45 टैंक्स है, अगर उसमें जो है 80% भी ऑन रोड है और एक्चुअल अटैक में कितने 15 या 20 टैंक जाएंगे, तो उसके लिए इतना हमारे पास अमनेशन है जी कि वी कैन सस्टेन वॉर फॉर 10-15। लेकिन हमारी जो WMR की पोजीशन है वो बड़ी वीक है, जो वॉर मेंटेनेंस रिजर्व है सारे इक्विपमेंट है सारे एमिनेशन है, उसकी पोजीशन वीक आज के दिन नहीं, जो ये नए डिवीजन रेज कर रहे हैं वो सारा का सारा इसी को यूज किया गया है। तो फिर सारा रिजर्व आपने WMR को दे दिया, आप WMR को दोबारा इक्विप क्यों नहीं करते? नहीं करेंगे तो फिर आप मार खाएंगे कहीं ना कहीं, तो बस वही मतलब कहीं ना कहीं डर ये रहता है कि WMR को आप टच करते हैं विच इज सेक्रेट काउ, वो तो वार में ही होता है ना, हमने उसको कर दिया क्योंकि हमें सेंटिटी नहीं है वो WMR की, मतलब कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्योंकि बिकॉज एज टाइम्स आर पासिंग बाय एंड लगता ऐसा है कि इंडिया और चाइना का कहीं ना कहीं जैसे फ्रिक्शन अब फिर बढ़ता दिख रहा है अभी जो अलग अलग, तो मतलब 1962 को अगेन रिपीटेड अभी मार्च में अभी जो ऑपरेशन परले किया गया है जिसमें चाइनीज बॉर्डर के ऊपर इंडिया ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज की है, उससे लगता है कि इंडिया की जो चाइना के अगेंस्ट जो जो जो, जो डिफेंस है क्रेडिबल डिफेंस है ऑन ग्राउंड्स, तो डेफिनेटली वी आर लैकिंग सो मेनी थिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करना चाहिए और वहां जो है माउंटेन डिविजन है उसको हमें डेवलप करना चाहिए, हमारे आर्म फोर्स जो पर्टिकुलर इन्फेंट्री की जो माउंटेन ट्रेनिंग है उसको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए, उनको इक्विपमेंट्स देने चाहिए, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट जो इंडिया की पॉलिसी है दैट इज डिपेंड अपॉन विश चाइना इज डिपेंडेड ऑन मिसाइल एंड एयरफोर्स जी, तो एयरफोर्स का वहां जो है ऑपरेशन परले में प्रयोग किया गया है सुखोई 30 MK-31 प्रोफेसर बाजिया, मैं एयरफोर्स की बात करता हूं जहां हमारी एक सैंक्शन ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है
of 42 squadrons to be maintained at all times. We have come down to 34 operational squadrons. And as MiG-21s, MiG-23s have already been phased out. And MiG-21s are going to be phased out in very short time. Definitely. MiG-27s are also going out. Definitely. And this operational strength is further likely to come down to even 30 operational squadrons. Really. What is India going to do in that case? And जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि हम मिसाइल सिस्टम या जो है डीप पेनिट्रेशन के लिए पे, जैसे एयरफोर्स के हैं हमारे पास है डीप पेनिट्रेशन एयरक्राफ्ट हैं जैसे जैगुआर्स हैं मेरा जैगुआर है, परंतु बाद में कौन जाके अगर हमने एक 10 किलोमीटर का एरिया क्लियर कर दिया उसको कौन ऑक्यूपाई करेगा? इन्फेंट्री मैन फाइनली इन्फेंट्री फाइटिंग सोल्जर इन्फेंट्री हैज टू बी इन्फेंट्री के पास इक्विपमेंट नहीं वो जो है सस्टेन करने के लिए क्लियर हमारे को दे देंगे एयरफोर्स दे देगी आरटी दे देगी या जो भी है, परंतु बाद में जो है जब तक आदमी वहां पर जाकर फिजिकली ऑक्यूपाई नहीं करेगा तो उसका जो है डेफिनेटली एट प्रेजेंट वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फुल्ली प्रिपेयर्ड, पर वो अगर वो सोचो कि 62 डिबेकल विल बी रिपीटेड नो ओके It right. will not be repeated. We are much better off. Say in case वो जो है मोहम्मद अली है तो हमारे पास जो है विजेंदर है जी. अगर मोहम्मद अली हमारे को 4 मुक्के मारेगा तो विजेंदर 1 मार देगा जी. तो इसलिए जो है हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो जो है चाइना इसीलिए अगर चाइना के पास इतना होता है तो अभी तक जो है हमारे को बहुत पीछे तक खदेड़ अच्छा अगर बात मैं नेवी की करूं कहते हैं भाई इंडिया इज अ ब्लू वाटर नेवी इंडिया इज गॉट अ ब्लू वाटर आई मीन आई रियली लाइक टू टेक आउट द वर्ड ब्लू फ्रॉम इट कि आई मीन हाउ फार डू यू स्ट्रेटेजिकली वी कैन एक्सपोज इम्पोज अ पा आई मीन जितना सबमरीन्स हमारे पास नहीं है जो भी हैं वो डीजल इलेक्ट्रिक फॉक्सट्रॉट क्लास की उस टाइम की सबमरीन्स हैं जो रशिया ने डिस्कार्ड कर दी ऑब्सोलीट हो चुकी हैं. अगर मैं फ्रिगेट्स की डिस्ट्रॉयर्स की कैरियर्स की बात करूं तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर विंटेज के सो आई मीन मैं मेरा सिर्फ लैकिंग एयरक्राफ्ट कैरियर वी डू रियली आई मीन मेरा सिर्फ एक लाना है सबको इनको राष्ट्र को कि भाई जनरल वी के सिंह ने बता दी कि भाई आपके पास कमियां हैं जनरल वी के सिंह को तो पकड़ के मरोड़ना सहा इन्होंने और वो जो बीमारी थी उसको ये छेड़ते नहीं अभी तक. वही बात होगी थर्मामीटर अगर आपको बताता है बुखार तो थर्मामीटर को तोड़ दो न कि बुखार का इलाज करो. अब सवाल ये है कि हम ना तो अपना इलाज करते और थर्मामीटर के ऊपर गुस्सा करते हैं. नहीं उसमें कर्नल साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है. जैसे एक जनरल मैसेज जो गवर्नमेंट से आ रहा है एक तरफ तो गवर्नमेंट वो नेहरूवियन जो पॉलिसी है शांति की और वो जो है ना पीसफुल पॉलिसी जो है कि हम पंचशील के द्वारा आज भी उसका कहीं ना कहीं हैंगओवर हमारे दिमाग में है और हम चाह रहे हैं कि चाइना के साथ हम ट्रेड बढ़ाएं और ये इस तरह से पीसफुल हम उसको जो डील करें और हम थोड़ा ब्रीथिंग टाइम ले लें. लेकिन होता क्या है कि जैसे आपने बताया इंडिया का जो एक ट्रेंड रहा है शुरू से ही सिंस 1962 से हम दे तो हमारा ये ट्रेंड रहा है जी. कि जब हमें थप्पड़ लगता है तब हम जो तैयारी करते हैं हर लड़ाई के बाद तकरीबन यही होता है. हमारा क्या है कि हमारी जितनी भी पॉलिटिशियन जो फॉरेन पॉलिसी है या डिफेंस पॉलिसी है इट इज ऑल बेस्ड ऑन व्हाइट हाउस. अगर हमने जो है फ्रांस से जो है अभी फाइटर एयरक्राफ्ट की जो राफाल की वो डील कर दी तो हमारे को जो है 1962 विंटेज के वो जो है ये C-130 नो कर्नल साहब आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन आई विल नॉट अग्री विद यूर यू नो व्हाई हरक्यूलिस C-130 इज द बेस्ट एज फार एज मतलब माय टेक्निकल पूल हाउ डीप इट गोज इट इज स्टिल द बेस्ट एयरलिफ्ट प्लेन इन द वर्ल्ड इट इज द बेस्ट द थिंग एयरलिफ्ट या इट इज स्टिल मीडियम अदरवाइज व्हाट आर यू गोइंग टू गो फॉर AN-32s AN-12s व्हिच हैव ऑलरेडी बीन फेज्ड आउट आई एम टेलिंग यू कि दिस थिंग स्टार्टेड समवेयर इन 2002 ओके Once this Rafal deal was not overlooked, right. It was overlooked from say the USA wanted to dump F-16 to us, which is called this thing, the coffin carriers. It is worse than our MiG-23s. Right. Or उसके बाद अगर आप देखो तो ये जो है हमारे को जो है ये हरकुलिस जो है ये दे दी हरकुलिस की बजाय जो है उन्होंने इसमें भी पंकज जी क्या है कि जैसे ग्लोब मास्टर स्ट्रैटो लिफ्टर्स भी हम लोग ले रहे हैं यूएसए से ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट स्ट्रैटो लिफ्टर्स है मतलब वो इट्स लाइक मच बिगर देन आवर IL-76 आल्सो लेकिन हमारे को इतनी लिफ्ट की जो है हमारे को जो है वी डोंट वांट बल्क कैरियर
हमारे को जो है ट्रूप कैरियर चाहिए। नहीं नहीं, बल्कि मेरा मतलब ये है कहने का, इसमें आप ट्रूप्स भी ले जा सकते हैं और इसमें आप टैंक्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स भी ले जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू यूज इट, दे आर वेरी वर्सेटाइल प्लेन्स। लेकिन मैं एक दूसरा उस पर यह आना चाहूंगा कि एआरडी ही है आपका पूना में, एक स्टडी जब सीए जी ने करा उसने खुद फाइंड किया कि 46 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स थे एआरडी ने जो करे थे, उसमें से मतलब इफ एवर एनी प्रोजेक्ट्स सॉ द लाइट ऑफ डे एंड प्रोडक्शन, दे वर ओनली 13 आउट ऑफ दोस। सो इतना फंड्स रिसर्च पे, डेवलपमेंट पे, किन चीजों पे वेस्ट होता है जो आप पर आखिर में जो सोल्जर्स हैं, एयरमैन हैं, सेलर्स हैं, जिन्होंने उसको यूज करना है, वो एंड यूजर को कोई फायदा नहीं है उसका। नहीं, एक्चुअली आप ठीक कर रहे हैं पंकज जी कि हमारी एक्चुअली इंडिजिनियस डिफेंस आरएनडी जो है वो अभी इतनी डेवलप नहीं है कि वी कैन इक्विप आवर आर्म फोर्सेस टोटली आउट ऑफ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी। जी, दैट इज नॉट पॉसिबल इवन इन डेकेड्स टू कम। मैं मानता हूं साहब, मैं आपकी बात मानता हूं बाजिया साहब, लेकिन लेकिन चंद क्षणों के बाद मैं एक बहुत बड़ा सवाल उठाऊंगा अक्सर, क्यों, जिसका जवाब बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्यों, जो आपने कहा आज तक हम सक्षम नहीं है। अच्छा, दूसरा अगर मैं फेलियर्स की बात करता हूं, एलसीए अगर इतने टाइम बाद 3,300 करोड़ से प्रोजेक्ट आज आपका 6,000 करोड़ पे पहुंच गया, कहते हैं इंडिया गरीब देश है, तो कहां इतना, हु इज पेइंग फॉर दिस। अच्छा, अगर कावेरी इंजन जो बात हम कर रहे हैं, 16 साल में इंडिया एक इंजन नहीं बना पाता है, नहीं जेट इंजन नहीं इंडिया, जिस बजट को हम लेके चले थे आज वो बजट 800% ओवरशूट कर गया। साहब, जो मेन प्रॉब्लम हमारी पंकज जी, इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री में जो मेजर प्रॉब्लम है दैट इज विद द जेट इंजन, इंडिया इज नॉट एबल टू डेवलप जेट इंजन। कोरापुट में हमने फैक्ट्री लगा रखी है, अमेरिकन जीई 404 इंजन जो है उसको हम कावेरी के नाम से डेवलप करना चाह रहे हैं, उसको जेट इंजन को डेवलप करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें हमें सफलता मिल रही। हाँ, अब हो सकता है कि अमेरिका के साथ हमारी कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ रही है, कुछ नजदीकियां बढ़ रही हैं जो पहले पिछले दशकों में नहीं थी, उसके बाद अगर हमारी सिचुएशन सुधर जाए तो हो सकता है कि यदि मैं एक बात कहूं, एक सोल्जर आज रिक्रूटमेंट होता है, वो कहता है आपको भाई बुलेट प्रूफ जैकेट मिलेंगे, वो पूरी नौकरी करके चला जाता है, ये सपना देखता होगा कि मैं कब बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाऊंगा। हमारी ये हमारी जो है स्पीड है। नहीं करण दलाल, मैं इस चीज के आपके उसमें नहीं हूँ। अभी अगर आप जाके सोल्जर का अगर जेएनके में वो देखो, है इक्विपमेंट वाइज दे आर वेल इक्विप्ड है। अगर सियाचिन में हमने 84 में गए थे तो उस टाइम पे ठीक है कि हम जो है नॉर्मल लुधियाना की जर्सी में गए थे, है, परंतु अगर अभी जो है सोल्जर वहां पे सियाचिन में जाता है, एक उसके पीछे 5 से 6 लाख रुपए का इक्विपमेंट दिया जाता है, जो कि जिस टाइम पे वो डी इंडक्ट होता है विच इज डिस्ट्रॉयड। पहले नहीं तो कहते थे कबाड़ी।